प्रणाम। मेरा स्वर्ण भारत और स्वर्ण भारत का परिवार सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। और हिंदी दिवस पर मैं आपको दो शब्द कहना चाहूँगी कि भारत के माथे की शान है बिंदी, भारत के माथे की शान है बिंदी, हम सबकी पहचान है बिंदी। और भारत के माथे की शान है बिंदी, हम सबकी पहचान है हिंदी, हम सभी के माथे पर शोभायमान है बिंदी। तो मैं हिंदी के बारे में दो शब्द ये कह रही हूँ कि जब माता अपने शिशु, गर्भस्थ शिशु के लिए हर पर ये सोचती है कि इसे अच्छी परवरिश दूंगी, इसे अच्छे संस्कार दूंगी, और जब बच्चा पैदा होता है तो माँ अपने सोना से उसी छोटी सी अवस्था में हिंदी में बातें करती है, मेरा बेटा, मेरा सोना, मेरा लाल। और बच्चा भी माँ को स्माइल करके, मुस्कुरा के, आँखें यहाँ वहाँ घुमा के और माँ का स्वागत करता है, माँ अपने बेटे का स्वागत करती है। तो एक माँ ही है जो अपने बच्चे को बेहतरीन हिंदी सिखा सकती है। और मैं एक कविता या मैं अपना लिखा हुआ एक गीत छोटे शब्दों में आपको सुना रही हूँ। उस माँ को जो सबसे शुरू में अपने बच्चे को हिंदी रूपी ज्ञान देती है, कैसे देती है देखिए। नारी तू माता है, तू ही जन्मदाता है, भूलूंगी मैं ना तुझको। नारी तू माता है, तू ही जन्मदाता है, भूलूंगी मैं ना तुझको। अरे यही ममता की खान है, नारी तू माता है, तू ही जन्मदाता है, भूलूंगी मैं ना तुझको। रूखी सूखी खाकर बच्चे को तू ही पाले, रूखी सूखी खाकर बच्चे को तू ही पाले, सुनती है तू सबकी, करती नहीं है वादे, सपनों को माता है, तू ही जन्मदाता है, भूलूंगी मैं ना तुझको। जैसे नारी की शान है बिंदी, नारी का अभिमान भी है हिंदी। मैं उन सभी माताओं बहनों को नमस्कार करती हूँ, स्वर्ण भारत परिवार को नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और अपनी वाणी को, अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। जय भारत।